अब हम लोग जो लोकेशन पे आए, खतरनाक लोकेशन है, एकदम खतरनाक, सारी की सारी रोड खाली पड़ी है। तो गाइस जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको एक लाइफ मिली है, पूरा इस्तेमाल करो अपनी लाइफ का, पूरा यूटिलाइज करो, पूरा भरपूर फायदा निकालो और मस्त घूमो। भाई मुझे सच में मेरे को मेरे पे प्यार और बढ़िया है। यो गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बज रहे सुबह के 5:57 हो रहा है, 5 बज रहे, जो टाइम को निकलना था वही टाइम पे मतलब हम लोग निकल रहे। तो देखो आज का प्लान क्या है आपको मैं आगे बताऊंगा और निकलते हैं अभी। एक मिनट गाने लगा लेते हैं। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ BHL विवेक के पास और वहाँ से हम लोग निकलेंगे स्पॉटिफाई। और ओ बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। शुरुआत करते हैं अपनी हनुमान चालीसा से। यहाँ पे अपनी गाड़ी हो गई है कोल्ड स्टार्ट, चलो निकलते हैं। बाय, जय श्री राम, जय माता दी, जय भोलेनाथ। 5 बज रहे हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। जिप वैसे तो मैंने जैकेट की जिप नहीं लगाई है, उसके वजह से ठंड लग रही है मुझे। चलो हाँ भाई, देखो कितने दिनों बाद मैं कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग और कितना मस्त लग रहा है मुझे। हाँ और इतने दिनों बाद निकाल रहा हूँ गाड़ी को भी, इतने दिनों बाद ही निकाल रहा हूँ मैं। से 5 o'clock को निकला था और 5:08-5:10 को कुछ मैं यहाँ पे आ गया था। अभी देखो टाइम हो रहा है 5:24, अब आया है विवेक। इतनी देर से मैं यहीं पे BHL के पास वेट कर रहा था उसका। इंता लेटा నేను ఆ నుంచి ఎప్పుడు వచ్చిన తెలుసా, 5:08 కి అట్లా వచ్చిన ఏమ్మా ఏంద్రా ఇంత లేటు. పహలి బాతో హమారా 75 హార్డ్ చల్ రా తా, లేకిన్ బీచ్ మే కుచ్ రీజన్ కే వజహ సే టూట్ గయా వో, మత్లబ్ వీడియోస్ బనానే హీ టూట్ గయా. వో కిస్ లియే టూటే, క్యా హై ఆప్కో మే ఆగే బతాఊంగా. అభి ఆజ్ హమ్ లోగ్ జా రహే ఏక్ ఛోటీ సీ రైడ్ పే, మత్లబ్ ఏక్ 200-250 కిలోమీటర్స్ కీ రైడ్ హై. హమ్ లోగ్ జా రహే హై ఏక్ మత్లబ్ ఏక్ ఐసీ లొకేషన్ హై హైదరాబాద్ మే, हैदराबाद में नहीं, हैदराबाद से बाहर सिद्दीपेट साइड, तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। पता नहीं यहाँ लिंगमपल्ली के साइड, जय माता दी, कब से रोड बन रही है और प्रॉपर गियर्स के साथ में। आज प्रॉपर गियर्स पे ना मस्त आज वो वाली फीलिंग आ रही है। देखो जो चीज़ आपके पास है उसका भरपूर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब उसका फ़ायदा लेना ज़रूरी है। बहुत बार मैं गियर्स पहन के भी नहीं जाता था तो मुझे लोग बोलते थे तेरे पास राइडिंग गियर्स है तब भी तू गियर्स पहन के नहीं जाता था, तो वो भी एक रीज़न समझ लो आप। और जो चीज़ अपने पास है उसके उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। तो चलो आज प्रॉपर गियर्स के साथ, अब मस्त वो राइडिंग वाली फीलिंग भी आ रही है मुझे। जयपुर से होते हुए जाएंगे हम लोग, इंटरकॉम वगैरह भी मैंने लगा रखा है। मुझे नहीं पता आवाज़ मेरी कैसी आ रही है, एंगल कैसा है, क्योंकि देखो डायरेक्टली कल रात को मैंने चेक भी नहीं किया था। डायरेक्टली बस मैं गोप्रो वगैरह को चार्जिंग लगा कर मैं निकल गया। हाँ अरे फुल लिंगमपल्लीलोने सगम दुम ఉంటది, దుమ్ము దుమ్ అవుతది ఇది మొత్తం రైడింగ్ ప్యాడ్ నొప్పి అబ్బా రైడ్ లేదు. చలో अभी टाइम हो रहा है 6:10 और हल्के हल्के से धूप आने भी स्टार्ट हो गई है। ये वाला जो टाइम है ना, मतलब ये वाले समय पे जब मतलब हल्के हल्के से जब धूप आ रही है, इस टाइम पे चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार। ऐसे सिद्दीपेट है 45 किलोमीटर्स।
फोटो भी उतारा मैं वहाँ हैदराबाद। फाइनली हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे इन लोगों को कुछ फोटोस उतरनी थी तो ये लोग फोटोस उतर रहे। तियाला నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సన్న, ఇదే ఇదే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సన్న, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మంచి లొకేషన్ ఏడుంది పైన, సరే సరే థ్యాంక్ యూ, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సన్న. अपने कुछ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे यहाँ पे। वाह और चूसना हो इतन दो ओका फोटो दिखो था भाई डा आड़ा मज़ेला बंदे बैठे दिखो था माँ नडो तू चेक करो आप। ओ पूरा पानी है यहाँ पे और यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, यहाँ पे वहाँ पे कोई गाड़ी ही नहीं है। बोल रहा था बीच में छोटा सा आइलैंड जैसा है और चारों तरफ पानी भरा पड़ा है। देखो बाइकर्स के लिए मस्त सी रोड है, एक तो सिद्दीपेट रोड से आप लोग जब आते हो तो वो रोड खतरनाक रोड है और उसके बाद ये वाला जो लोकेशन है भाई मस्त, यहाँ पर आप लोग रील्स बना सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो, मस्त है यहाँ का लोकेशन। वहाँ पर बीच में लॉजेस मतलब कुछ होटल्स है और बीच में आइलैंड है, मतलब छोटा सा आइलैंड जैसा है और चारों तरफ पानी भरा पड़ा है और बीच में ये रोड्स। मनम करेक्ट टाइम कुछ ना मेन दो घंटे इप्पु टाइम एंत आई तुम जोड़ो 7:35 बाल ले ना माल नोची 7:30 को चेस्ट हम आधे। तो गाइस देखो फाइनली हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे, ये है सिद्दीपेट में और आप लोग देख सकते हो मेरा हेयर स्टाइल। इसमें हम लोग अच्छे से 75 हार्ट भी मैंने स्टार्ट किया था और व्लॉग्स भी मतलब डेली व्लॉगिंग कर रहा था। इसमें क्या हो गया, अरे रिश्तेदार की डेथ हो गई तो उसके वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था और 4-5 दिनों से, और वापस आज मुझे फिर से गुंडू करवाना पड़ेगा। वैसे मैं गुंडू कराते वक्त बहुत शर्माता था, मतलब मेरे को पहले दो साल वो स्नैप निकाल रहा है मेरी, देखो तब जब मैं सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में जब था तब मैंने गुंडू करवाया था। उसके बाद से उतने सालों के बाद आज मैं मतलब 4-5 दिन पहले ये मतलब अब करवाया हूँ मैं गुंडू, और पहले मुझे लगा मैं कैसे लगूंगा, बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। लाइक बहुत सारे लोगों को डर रहता है गुंडू कराने के बाद कि लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, हंसेंगे ये वो करके, लेकिन जैसे ही मैं गुंडू करा के अपनी फोटो मतलब अपने फेस को अपने फ़ोन में देखा तो मैं खुद शॉक हो गया था कि भाई साहब गुंडू भी मेरे पे कितना अच्छे से सूट कर रहा है। सबसे पहले आप अपने आप को खुद पसंद कर लो और फिर बाद में लोगों का क्या है बोलेंगे। वैसे तो देखो काफ़ी सारे लोग बोल रहे कि भाई तेरा क्या है हेयर स्टाइल, गुंडू पे भी है मतलब नॉर्मल में भी तेरा अच्छा है और गुंडू पे भी अच्छा है। और सच में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, पहले मुझे लगा गुंडू में लोग मुझे मेरे पे क्या सोचेंगे करके, बाद में जब मैं गुंडू करवाया था तब मैं देखा तो भाई मुझे सच में मेरे पे प्यार और बढ़िया है। और चलो देखो ये सब बातें छोड़ो, अब हम लोग जो लोकेशन पे आए, खतरनाक लोकेशन है, एकदम खतरनाक, सारी की सारी रोड खाली पड़ी है, अपनी गाड़ी यहाँ पे, विवेक की गाड़ी यहाँ पे और दिनेश ये लोग कोई भी नहीं आए। अब ये लोग ये वीडियो देखने के बाद वो लोग बोलेंगे पक्का यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ मैं और विवेक आए। और विवेक हाय से हाय टू माय ब्लॉग, कितने दिनों बाद है विवेक यहाँ पे बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं मैं और विवेक, और लोकेशन मस्त कदा खतरनाक उन्नी। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पानी और वहाँ पे एक रोड है मतलब ऐसे ही प्लेन वाली, और वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड जैसा है और बाकी चारों तरफ पानी से भरा ही है। ये बीच में ये वाला जो पार्ट है ये छोटा सा पार्ट है और यहाँ चारों तरफ पानी से भरा है, और ये भी एक प्लेन रोड है मतलब यहाँ से रोड ऐसे जा रही है वहाँ तक। अरे विवेक अद अक्कड़ अनुकुटा नाकु तेलुसु आ ब्लू कलर उंदा अक्कड़ अदे अनुकुटा रोड मतलब पूरी रोड खाली पड़ी है, वहाँ पे कुछ फोटो शूट वगैरह चल रहे हैं मतलब प्री वेडिंग शूट्स कुछ चल रहे हैं, और यहाँ पे मस्त हम लोगों ने रील्स वील्स भी बना लिए और यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह भी निकाले, तो आप लोग शॉर्ट्स एंजॉय करो।
ये भी एक मस्त सी लोकेशन है, अगर आप लोग हैदराबाद में रहते हो तो हैदराबाद से कुछ 110 या 120 किलोमीटर से, मतलब हमारे घर से तो गचीबोली से तो 112 किलोमीटर कुछ बता रहा था। मस्त आ गए हम लोग, हाईवे पूरा मस्त था, मस्त अच्छे से स्पीड करते हुए आ गए, मतलब सेफ ही चला रहे थे हम लोग। और वहाँ पे छोटे से और भी बच्चे मिले तो वो लोग भी गाड़ी के साथ फोटोस वगैरह खींच रहे थे, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और देखो मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को यहाँ वहाँ के भी थोड़े बहुत कंटेंट, मतलब ऐसी ऐसी जगह मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ बहुत मतलब ज़्यादा लोग नहीं गए, वैसी वैसी जगह आपको घुमाने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो यार, और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई। ले रहा यार एकड़ा नू उंडे एटीट्यूड ना एकड़ा नू ये ही बंदे को पूछ रहा था और वो एटीट्यूड दिखा रहा है। सिद्धिपेट मॉडल नहीं आलू समा कालू दमा कालू समा फोन ये सा सिद्धिपेट मॉडल एकड़ उन्नड़ एकड़ा तेल सा नहीं को हाँ उन्नड़ आगड़ा कालू सा ना हाँ ना हाई जब कैमरा हाँ हाँ ना नेकलेस का ना भाई इमान बिल्लू वाले है ना पेरेंट వెంకీ మోడల్ వస్తాడా ఎంత దూరం ఇక్కడ నుంచి సిద్దిపేటలోనేనా సిద్దిపేట మోడల్ సిద్దిపేటలో అంటారు గాడి పే హోతే 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 యహాన్ పే और ये है डेडेन, और यहाँ से व्यू चेक करो आप लोग, मस्त वहाँ पे सनराइज हो रहा है, और मस्त देखो सनराइज पानी के ऊपर गिर रहा है, और यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ मस्त व्यू आ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत रील्स और फोटोशूट वगैरह हम लोग करें, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और फिर निकल जाएंगे। धूप बढ़ रही है, हम लोग इतना जल्दी हम लोग आ गए थे पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी आ गए हम लोग। बीच में कहीं रुकेंगे खाएंगे, और गोप्रो में बैटरी अपनी फुल हो गई, मतलब एसडी कार्ड फुल हो गया, तो अभी ज़्यादा कुछ मोटर व्लॉगिंग नहीं करेंगे हम लोग, सीधा निकलते और ये वाले व्यू को मस्त मिस करेंगे। अरे नहीं अंटा प्रति संडे ఇక్కడికి వచ్చేయాలంటున్నాను నేను అయితే ప్రతి సండే ఏమీ వస్తా కాదు ప్రతి సండే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వస్తా తో దేఖో అబ్సే ఆప్కో మేరే ఛానల్ మే మస్త్ అబ్ జ్యాదాతర్ అభి మోటర్ వ్లాగింగ్ సి మోటర్ వ్లాగ్స్ హి ఆయేంగే ఔర్ హమ్ లోగ్ ఐసి ఐసి యాంటిక్ యాంటిక్ జగహో పే ఘూమేంగే ఔర్ బైకర్స్ కే లియే అచ్చే హై మస్త్ అచ్చీ జగహ్ హై ఆప్ లోగ్ ఆ సక్తే ఔర్ లొకేషన్ మే డిస్క్రిప్షన్ మే దే దూంగా రంగనాయక్ ఇందర్ పేర్ జప్ ఒకసారి ను జప్తో కరెక్ట్ సాగర్ ఆ చలో థాంక్యూ ఇయే మతలబ్ ఇయే వ్యూ పాయింట్ కా భీ హమ్కు నహీ పతా తా తో ఇయే భాయ్ నే ముజే दिखाया, तो थैंक यू ब्रो। क्रिकेटर बनना है इसे, क्रिकेटर आई तो अंत बैट बॉल पटको दिगा बैट बॉल पटको इपड़ना इपड़ी काल प्लेस मंशा मेम वा आड़कटे कदा को सब नैक्स्ट टाइम वो नीने उठा कदा नैक्स्ट टाइम वो चाहता आड़दा इंस्टाग्राम मेसेज इसना क्रिकेटर आता चलो अभी यहाँ से निकलते हम लोग। तो अभी देखो यहाँ पे विवेक की गाड़ी में हवा कम है, तो हवा भर रही है इसके उसमें। मैं देखो जब भी मैं कोई राइड पे आता हूँ ये हवा भरने वाली मशीन और पंचर किट साथ में रखता हूँ, तो अभी देखो इसके उसमें भर रहे हैं हम लोग हवा। मेरे उस वाले में भी भरना है क्योंकि मैंने बहुत पहले में हवा भराया था, तो अभी वापस हवा भरेंगे मेरे उसमें भी। आई पी निदान तो फुल निदान चलो इसके साइकिल पे हवा भर रही है। पैसा मनी सब रेंड रुपीस आग आग वेज डायरेक्ट वस्ना नीक क्या प्रति सारी जब भी हम लोग राइड पे जाते हैं तो एक 10-20 बार विवेक के साथ रुकना पड़ता है। देखो 10-20 बार रुकना पड़ता है उसके लिए। तो अभी देखो हम लोग हवा भर रहे थे तो उसके वजह से थोड़ा हाथ में हाथ गंदे हो गए हमारे, इसलिए यहाँ पे धो रहे हाथ। तो निकल रहे अभी हम लोग यहाँ से, बाकी ये वाला व्यू मस्त था, यहाँ पे चल रहा है प्री वेडिंग शूट, चारों तरफ मस्त पानी यहाँ पे और मस्त काली रोड है। आप लोग अच्छे से आके यहाँ पे रील्स बना सकते हो, फोटोशूट कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। स्नैपचैट
यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग हल्का सा ब्रेकफास्ट, यहाँ पे बातचीत करने लग गए थे तो टाइम हो गया उसके से। धूप देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा है। अभी सीधा घर पे रुकेंगे, कहीं रुकना नहीं है अभी। देखो वैसे तो अपना जिम विम तो डेली चल रहा है, जिम और डाइट तो मैं दो चीज़ें बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ पर। डाइट तो मैं एक भी मील अपनी में मिस नहीं कर रहा हूँ। मेन रीज़न देखो इतना सुबह निकलने का क्या है कि अगर मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँगा तो मैं सो जाऊँगा, रेस्ट ले लूँगा और फिर शाम में जिम जाऊँगा। ऊपर से आज लेग से जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, देखो एक बात याद रख लो, अपनी जो लाइफ है ना, मैं आपको सोचो कि आप बहुत लक्की हो कि आपको एक लाइफ मिली है और पूरा इस्तेमाल करो अपनी लाइफ का, पूरा यूटिलाइज करो, पूरा भरपूर फ़ायदा निकालो और मस्त घूमो, जब भी टाइम मिलता है मस्त घूमो फिरो, मस्त एंजॉय करो, अच्छे कर्म करो, मस्त मेमोरीज बनाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमो, अच्छे काम करो, घूमो, फोटोज लो, वीडियोस बनाओ, मतलब अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाओ। और क्या चाहिए ना अपने पास है ना, शायद दूसरों के पास उतना भी ना हो तो जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करो, जितनी भी चीज़ आपके पास है कदर करो और अच्छे से इस्तेमाल करो। और बस वैसे को फाइनली वापस मैं घर पे आ गया और अभी टाइम हो रहा है 12:30, जल्दी आ गया मैं, लेकिन यार धूप बहुत ज़्यादा है। अच्छा वो बारिश नहीं पड़ी, चलो धूप है तो है, बारिश नहीं पड़ी, ये बात अच्छी है। चलो देखो अगर आप लोगों को वहाँ जाना है तो लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब मुझे जाना है वापस गुल्लू करवाने के लिए और इसके बाद से हमारे सारे मतलब हम टेम्पल को जा सकते हैं और नॉनवेज वगैरह भी खा सकते हैं। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए हो तो और चैनल को करते सब्सक्राइब, जल्दी से भी आऊँगा और गुल्लू करवा लूँगा, देखो धर्म पहले है भाई। चलो टाटा बाय, टेक केयर, राइड सेफ, यो। जिक्र तेरा।